अभी सेतु पुल ये प्रारंभ हो गई है और ये सबसे बड़ा लंबा पुल बोला जाता है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा पुल है, महात्मा गांधी सेतु ये ब्रिज। और ये देखिए, ये इस ब्रिज की लंबाई तकरीबन 5.5 किलोमीटर बताई जाती है। तो इस ब्रिज पर कुछ रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है। और नमस्कार, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं YouTube चैनल ट्रेवल विद विकास जी। ये देखिए लेफ्ट साइड में ये महात्मा गांधी सेतु के लेफ्ट साइड में समानांतर पुल भी बनाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये जो अभी जिस पुल को मैं क्रॉस कर रहा हूँ वो डैमेज भी है और ये वर्षों से इस पुल का रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है पर फिर भी ये सक्सेस नहीं हो सका। तो देखिए ये लेफ्ट साइड में जो ये ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज या ब्रिज नुमा निर्माणाधीन ये समानांतर ब्रिज है। तो बहरहाल ये सामने में ये ब्रिज आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए यातायात पुलिस पटना। तो इस ब्रिज की एक और खासियत ये है कि ये ब्रिज का लगभग आधा हिस्सा पटना में और आधा हिस्सा हाजीपुर में पड़ता है, वैशाली ज़िला। तो ये गंगा ब्रिज है और ये देखिए आप लोगों को मैं दिखलाने की कोशिश करता हूँ। ये गंगा ब्रिज है और ये इस ब्रिज की लंबाई मैंने पूर्व में बताया कि ये 5.5 किलोमीटर। और अब मैं खामोशी से थोड़ी देर रहूँगा और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये नज़ारा देखिए और ये लुत्फ उठाइए।
नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऑटो रिक्शा से थ्री व्हीलर टेम्पो से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। और थ्री व्हीलर टेम्पो से भी ट्रेवल करने का एक मज़ा ही कुछ अलग है। और मैं ड्राइवर साहब के बगल में बैठा हूँ और ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और ये अच्छे से टेम्पो भी चला रहे हैं और मैं इनके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु पुल, ये हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको बने हुए, लेकिन इसके बावजूद भी ये पुल डैमेज बहुत जल्द हो गया और ये उसके बाद से लगातार कई राउंड का ये रिपेयरिंग हुआ, पर अब भी पूरी तौर पर सक्सेस नहीं है। बहरहाल ये 5.5 किलोमीटर ये पुल की लंबाई बताई जाती है, गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु पुल की लंबाई तकरीबन 5.5 किलोमीटर। और ये देखिए, ये महात्मा गांधी सेतु पुल हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और ये पुल क्रॉस करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा देखने में। तो फ्रेंड्स, खास बात यह है कि मेरा ये ब्लॉग वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी मेरे चैनल के विषय में बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने हुए रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।